हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। तो हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट वीडियो हमने पार्ट 1 वीडियो डिस्कस किया था, जिसमें सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन और वेरियस कंसंट्रेशन टर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ से चैप्टर के आगे के टॉपिक लाइक सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ, वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन वगैरह वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट मैंने स्किप कर दिए थे, तो वो पॉइंट मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से रिकैप कराता हूँ, तब हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने वेरियस कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ा था मोलैरिटी, और मोलैरिटी की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवा दी थी कि मोलैरिटी मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम। वी कैन राइट इट एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको दे दी गई 1 मोलर। तो सिंपली इट मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपली इट मीन्स इफ, फॉर एग्जाम्पल, इफ द सॉल्यूशन मोलैरिटी इज गिवन एज 3 मोल, 3 मोलर, दैट मीन्स 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपली मोलर मीन्स द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज गिवन, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इफ 2 मोलर सॉल्यूशन इज गिवन, दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इन्हीं मोलैरिटी के लिए कुछ स्पेसिफाइड टर्म्स भी होते हैं, कुछ विशेष टर्म्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया गया बाई मोलर सॉल्यूशन, बाई मोलर सॉल्यूशन, इट मीन्स द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 मोलर। और 2 मोलर का मतलब क्या हो गया कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिवन डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, इट सिंपली मीन्स 1/10 मोलर, या वी कैन से 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज गिवन टू यू। दैट मीन्स 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, सेंटी मोलर सॉल्यूशन, सेंटी मोलर सॉल्यूशन, इट सिंपली मीन्स 1/100 मोलर सॉल्यूशन। दैट मीन्स 0.01 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 मोलर मीन्स 1 मोल, बाई मोलर मीन्स 2 मोल, डेसी मोलर मीन्स 1/10 मोल, सेंटी मोलर मीन्स 1/100 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेनरी लॉ। लेकिन हेनरी लॉ से पहले एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो मैं आप लोगों को पहले सॉल्युबिलिटी डिफाइन करता हूं, सॉल्युबिलिटी बताता हूं। देखिए, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, एक एग्जांपल देता हूं पहले। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी देखिए, हम लोग सॉल्युबिलिटी को एस से डिनोट करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ में हम लोगों ने डिटरमिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी किया था विद द हेल्प ऑफ कोलरॉस लॉ। तो यहां हम लोग सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, देखो। मान लीजिए आपके पास एक डिफाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। डिफाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी आपको नोन है, और जनरली इट इज टेकन एज 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, जनरली इट इज टेकन एज 100 ml ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, या एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट
टेम्परेचर। ठीक, वी डिजोल्व सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन दिस सॉल्वेंट। मान लीजिए ये मेरे पास वाटर है, दिस सॉल्वेंट इज वाटर, और ये जो सॉल्यूट है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सुगर। ये मेरे पास क्या है? सुगर है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, दैट इज टेबल सुगर, C12S22O11। तो मैंने क्या किया, इस सॉल्यूट की 1 स्पून इसमें ऐड कर दी और थोड़ा सा इसको स्टेयर किया, तो हम देखते हैं कि ये सुगर इसमें डिजोल्व हो जाती है। मैंने क्या किया, दूसरी टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी, 2 चम्मच इसमें ऐड कर दी, वो भी डिजोल्व हो गई। लेकिन जैसे ही मैं तीसरी टेबल इसमें ऐड करता हूँ, तीसरी चम्मच इसमें ऐड करता हूँ, वो इसमें डिजोल्व नहीं होती है। क्यों नहीं डिजोल्व होती है? क्योंकि 2 की ही उसकी मैक्सिमम लिमिट थी, 2 से ज्यादा। जैसे ही हम लोग सुगर ऐड करेंगे उसमें, 2 स्पून से ज्यादा अगर हम लोग सुगर ऐड करते हैं 100 ml ऑफ वाटर में एट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लीजिए वो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसके 2 स्पून से ज्यादा ऐड करने पर वो सुगर प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो रही है। दैट मीन्स दिस 2 स्पून क्वांटिटी ऑफ सुगर इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सुगर दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। दैट मीन्स दिस मैक्सिमम अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी सिंपली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन डिफाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्वेंट में घुल सकता है। सॉल्वेंट का कैसा वॉल्यूम होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए, और जनरली वी टेकन इट एज 100 ml। तो 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्यूट का मैक्सिमम जितना अमाउंट ऐड कर दिया जा सकता है, दैट मैक्सिमम अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब एक एग्जाम्पल से समझिए, दूसरा एग्जाम्पल कि किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोलर है, किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोलर है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपली हम लोग क्या करें कि उसमें मैक्सिमम 3 मोलर ऐड कर दिया जा सकता, 3 मोलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है, लेकिन किया कितना है हमने? 1 मोलर। तो 1 मोलर इज द कंसेंट्रेशन एंड 3 मोलर दैट मैक्सिमम अमाउंट, दैट 3 मोलर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो द कंसेंट्रेशन बट मैक्सिमम कंसेंट्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं सॉल्युबिलिटी की। डेफिनेशन देखिए, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन यहां पर लिखते हैं हम लोग। मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑब्लिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व, दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी। और अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड डिस्कस की थी। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी, सॉलिड इन लिक्विड डिस्कस की थी, और नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिस्कस की थी। ये हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। तो लिक्विड इन लिक्विड में कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, सॉलिड इन लिक्विड में कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, लाइकवाइज गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज पर्टिकुलरली हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को डिस्कस करेंगे दोबारा से। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अब टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हम लोग गैस को सॉल्युबल करना चाहते हैं किसी लिक्विड में। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स खरीद के लाते हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉल्युबल किया जाता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस को
वाटर में या किसी लिक्विड में सॉल्युबल होने के लिए अफेक्ट करते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला ही फैक्टर है, हम लोगों ने देखिए लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हेनरी लॉ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो नेचर ऑफ गैस में देखिए, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हीलियम है, दीज गैसेज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, दीज गैसेज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज गैस लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अमोनिया, दीज गैसेज आर वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। दैट मीन्स ए पर्टिकुलर गैस डिजॉल्व इन वाटर टू मच एक्सटेंट एंड सम अदर गैसेज डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर टू मच एक्सटेंट। वो कुछ गैसें ज़्यादा घुलती हैं और कुछ गैसें कम घुलती हैं, ये उस गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। हाउ डज दिस टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस? तो आप लोग याद रखिए, टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑलवेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑलवेज डिक्रीजेज, गैस की सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी एज सून एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रेशर, प्रेशर। तो देखिए प्रेशर क्या है, वेन एवर प्रेशर इंक्रीजेज ओवर ए लिक्विड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिजॉल्व इन दैट लिक्विड ऑलवेज इंक्रीजेज। तो सॉल्युबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी किसी भी गैस की अगर उस गैस का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास बाल्टी में पानी है और CO2 गैस है यहाँ पर घूम रही है, लेकिन CO2 गैस वो पानी में डिजॉल्व नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम CO2 गैस को बहुत हाई प्रेशर पे वाटर में डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो CO2 गैस वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज। अब हम लोग इसी प्रेशर का क्वांटिटेटिव रिलेशन निकालने के लिए हेनरी लॉ को पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारे पास हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है और इन हेनरी साइंटिस्ट ने एक रिलेशनशिप पता करी, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पता करी बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहला कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी, बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर। तो ये है हेनरी लॉ, किससे रिलेटेड है? हेनरी लॉ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। तो हेनरी लॉ कहता क्या है उसको समझिए आप लोग। हेनरी लॉ सिंपली ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, आपने इसमें कोई लिक्विड लिया है और इसके ऊपर है कोई गैस, ये गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हेनरी लॉ कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये जो गैस है हमारे पास, इसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ओवर द गैस। इस गैस के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर लगाया जाएगा, ये गैस लिक्विड में उतनी ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगी, सिंपली। तो हेनरी लॉ का सिंपल स्टेटमेंट क्या बन गया, एक हेनरी लॉ का सिंपल स्टेटमेंट है द सॉल्युबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन। इस लिक्विड या सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाएगा, ठीक है जी, स्टेटमेंट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो देखिए बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है हेनरी लॉ का कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होगी अगर हम उस लिक्विड, उस गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। तो जब गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल फोर्सफुली
उस लिक्विड में जाएंगे और उसके साथ एक बॉन्ड बनाएंगे जिससे कि वो गैस जो है वो उसमें सॉल्युबल हो जाएगी। फिर देखिए हेनरी के साथ में ही एक और साइंटिस्ट थे डाल्टन। उन्होंने क्या कहा कि ये जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, उन्होंने इसी स्टेटमेंट को दूसरी तरीके से डिफाइन कर दिया। डाल्टन हेनरी के ही टाइम एरा के हैं। उन्होंने इसी को इंडिपेंडेंटली अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और अपना एक स्टेटमेंट दे दिया। फिर हेनरी ने अपने लॉ को फिर मॉडिफाई किया। तो देखिए हम लोग ये दो दो तीन तीन डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। मैं क्या करता हूँ, हेनरी लॉ का ये स्टेटमेंट वन है, अब मैं हेनरी लॉ का स्टेटमेंट टू आप लोगों को बता देता हूँ। डाल्टन ने क्या लिखा क्या बोला वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हेनरी लॉ का एक स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को दिखा दिया। दूसरा स्टेटमेंट या जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है हेनरी लॉ की, वो मैं आप लोगों को यहां पर लिखवा रहा हूं। दिस इज स्टेटमेंट नंबर टू। स्टेटमेंट नंबर टू, इसमें उन्होंने एक कंसीडरेशन किया है। वो क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को मोल फ्रैक्शन से डिनोट किया है। यहां पर हम लोग सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं और स्टेटमेंट टू में हेनरी ने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को किससे कंसीडर कर लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से। आप लोग मोल फ्रैक्शन जानते ही हैं, हमने वीडियो नंबर वन में इसको डिस्कस किया है। तो देखिए स्टेटमेंट टू क्या कहता है। स्टेटमेंट टू है द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर या एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया इन्होंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कुछ ऐसे समझिए कि ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें लिक्विड, ये लिक्विड है और इसमें गैस डिजोल्व होगी। तो गैस जब डिजोल्व होगी तो हम लोग इसकी सॉल्युबिलिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं, काई से डिनोट कर रहे हैं। अभी यहां पर कुछ गैस वेपर फॉर्म में है, वेपर फेज में है, तो वेपर फेज में गैस का जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। दैट मींस मैथमेटिकली मैं क्या लिख सकता हूं, मैथमेटिकली दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन फेज या लिक्विड फेज। और यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कॉन्स्टेंट कम दैट इज के एच एंड दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट। दिस के एच इज हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट एंड दिस हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। इसको मैं समझा देता हूं अभी कि हर गैस के लिए के एच की वैल्यू अलग अलग होगी। ऑक्सीजन के लिए हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग होगा, NH3 के लिए अलग होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए अलग होगा। तो दिस हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। ओके देखिए पी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन फेज या लिक्विड फेज। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, तो पी इज इक्वल टू के एच इंटू काई। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ। अब इस हेनरी लॉ से भी कुछ कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या है देखिए, वो कंक्लूजन है, इसको हटा देता हूं मैं यहां से, हेनरी लॉ से। देखें हम लोग जान रहे हैं कि दिस पी इज इक्वल टू के एच इंटू काई, के एच इंटू काई। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी गैस के लिए हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज्यादा है,
तो डेफिनेटली उसके लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम। इसको ऐसे समझिए, एक जनरल एग्जांपल लेता हूं मैं कि हमारे पास टोटल पार्शियल प्रेशर है 20, क्या है 20, और कोई गैस है उसके लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है 2, तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? 10। सिंपली मान लीजिए प्रेशर 20 ही है मेरे पास, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है 4, तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? 5। मान लीजिए प्रेशर 20 ही है और किसी गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट 10 है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? 2। तो यहां से एक पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, वो ड्रॉ क्या है कि जिन गैस के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उनके लिए सॉल्युबिलिटी कम होगी, जिस गैस के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी वो गैस लिक्विड में कम डिजोल्व होगी। दैट मींस काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। पॉइंट आ गया समझ में आपको कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी हेनरी लॉ कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिस गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, एक और पॉइंट देखिए। एक और पॉइंट देखिए कि दिस हेनरी लॉ कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस हेनरी लॉ कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एज सून एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट इंक्रीजेस। इसका मतलब देखिए के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो सॉल्युबिलिटी यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, और ये बात हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से किसी गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है, यहां से भी प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की मैथमेटिकल फॉर्म से हमको ये समझ में आया कि जिस गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, और के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दैट मींस सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये था हेनरी लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म, ये था स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स में, कैसे डिफाइन हेनरी लॉ एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। तो हमने हेनरी लॉ तो डिफाइन किया है पूरा, अब हम लोग इसकी एप्लीकेशन लिखते हैं। देखिए टॉपिक है हेनरी लॉ की एप्लीकेशन, तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन बड़ी आसान सी है कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स में जो सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिल कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी फिल्ड इन कोल्ड ड्रिंक बोटल्स एट हाई प्रेशर। दैट मीन्स इफ वी अप्लाई हाई प्रेशर सो मोर अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी फिल्ड इन बोटल। दैट मीन्स अगर हम किसी गैस किसी लिक्विड, जैसे मान लीजिए ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और बाहर CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, हम लोग इन CO2 के मॉलिक्यूल्स को जितने अधिक प्रेशर से प्रेशराइज करेंगे ये मॉलिक्यूल उतनी ही जल्दी इस लिक्विड में सॉल्युबल हो जाएंगे। दैट मीन्स कोल्ड ड्रिंक बोतल, कोल्ड ड्रिंक बोटल्स आर फिल्ड एट हाई प्रेशर, एट हायर प्रेशर, एट हायर प्रेशर सो दे कैन एकोमोडेट, सो दे कैन एकोमोडेट मोर अमाउंट ऑफ, मोर अमाउंट ऑफ CO2। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। नाउ कम टू द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक ओशियन है, एक समुद्र है, ये एक समुद्र है और इसमें स्विम करते हैं स्क्यूबा डाइवर। स्क्यूबा डाइवर वो होते हैं जो बहुत गहराइयों तक समुद्र में खोज करते हैं। तो मान लीजिए अभी जो स्क्यूबा डाइवर है वो यहाँ सरफेस पर है, तो इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर इस व्यक्ति के ऊपर फील हो रहा है वो कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये सांस ले रहा है, मतलब हवा जो है वो अपने अंदर ले रहा है, उसमें 20.98% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, बाकी की गैसें हैं। तो ये गैसें उसके ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड हो रही हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन उसके ब्लड में डिसॉल्व हो रही है, ऐसे समझिए। लेकिन जैसे ही ये डाइवर सरफेस से बॉटम की ओर जाएगा,
सरफेस से, मान लीजिए अब ये व्यक्ति यहां पर है, तो इस व्यक्ति के ऊपर लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना बड़ा होगा, मतलब अब इसकी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो पहले से ज्यादा है। यहां पर कितना प्रेशर था? 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो डेफिनेटली यहां पर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर से तो ज्यादा होगा। अब देखिए, ये अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाता है, एयर सिलेंडर लेके जाता है। उस एयर सिलेंडर में मान लीजिए अभी सिंपल एयर ही है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जो ऊपर यहां था वही यहां पर रेशियो है। तो देखिए, हायर प्रेशर कंडीशन में, देखिए लिक्विड, हमारा जो ब्लड है वो लिक्विड है, और उस व्यक्ति ने जो सांस ली है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हायर प्रेशर कंडीशन में ब्लड में ज्यादा से ज्यादा घुल जाएंगी, सॉल्युबल हो जाएंगी, और जब ये व्यक्ति ऊपर तैर के आएगा वापस, तो प्रेशर ग्रेजुअली क्या होगा? कम। तो जब ये व्यक्ति वापस लौट कर आएगा, तो हायर प्रेशर कंडीशन में तो ज्यादा से ज्यादा गैस डिजोल्व हो गई थी ब्लड में, लेकिन जैसे ही जब ये ऊपर आएगा, तो इसकी सरफेस पर जब ये आएगा तो प्रेशर कम है, तो जिस गैस को फोर्सफुली सॉल्युबल किया गया था वो गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और वहां पर एयर, वहां पर ब्लड वेसल्स में बबल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बबल्स। और इस बबलिंग कंडीशन में बड़ा ही पेन होगा उस व्यक्ति को। इस मेडिकल पेन कंडीशन को बोलते हैं, इस मेडिकल पेन कंडीशन को बोलते हैं बैंड, BEND। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि जिस सिलेंडर को ये स्कूबा डाइवर लेके जाते हैं, उसमें एयर को डाइल्यूट कर दिया जाता है, एयर को हीलियम से वहां पर डाइल्यूट कर दिया जाता है, मतलब उसमें हीलियम और डाल दी जाती है। हीलियम वहां पर इनर्ट गैस का काम करती है, गैस को डाइल्यूट करने का काम करती है, और वहां पर जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ सिलेंडर, जिस सिलेंडर को वो लेके जाते हैं, उसमें तीन गैसें हैं मेनली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। सिलेंडर में कंपोजिशन है गैसेस का वो ये है, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1% और हीलियम 11.7%। ये एकदम मेमोरी वाले पॉइंट हैं, आप लोग एग्जाम से पहले ही इनको याद रखें, अभी याद करेंगे तो भूल जाएंगे, और इस पर कोई अभी तक कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। तो दोबारा से समझिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि स्क्यूबा डाइवर जब ये किसी सी के, ओशियन के बॉटम पर जाते हैं, तो बॉटम पर ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर फील करते हैं, और हाई प्रेशर कंडीशन में जो गैस को ये सांस के द्वारा अंदर ले रहे हैं, वो गैसें उनके ब्लड में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो जाती हैं। जब यही स्क्यूबा डाइवर सरफेस पर आएंगे आएगा, तो अब जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है, तो जिस गैस को हाई प्रेशर में सॉल्युबल किया गया था बॉटम पर, अब वो सरफेस पर तेजी से ब्लड में से अनडिजॉल्व होकर बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो वहां पर ब्लड वेसल्स में बबल्स बन सकते हैं, और अगर बबल बन गए तो वहां पर एक बड़ी पेनफुल कंडीशन अराइज होती है, जिसको बैंड बोलते हैं। तो मेडिकल बैंड कंडीशन को हम लोग हेनरी लॉ की सहायता से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको लैंग्वेज में अपने आप से लिख सकते हैं, NCERT में दी गई है एप्लीकेशन। तीसरा एक पॉइंट देखिए, इसको भी मैं ऐसे ही समझाऊंगा, आप लोग थ्योरी में अपने आप से इनके पॉइंट लिखेंगे। मान लीजिए हम लोग रहते हैं सरफेस पर, हम लोग अर्थ सरफेस पर रहते हैं, अर्थ सरफेस पर, और इसके चारों ओर है एटमॉस्फेयर, और उस एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे ऊपर लगता है 1 ATM। कितना प्रेशर लगता है? 1 ATM। यहां कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के ऊपर 1 ATM प्रेशर लग रहा है। अगर ये व्यक्ति किसी हिल स्टेशन पर चला जाता है, मान लीजिए ये कोई पहाड़ है और ये व्यक्ति यहां चला गया, मान लीजिए, तो अब यहां पर 1 ATM प्रेशर तो नहीं लगने वाला है, अब यहां पर प्रेशर मान लीजिए लग रहा है 0.5 ATM। अब कंडीशन को समझिए, यहां प्रेशर ज्यादा है, उसने सांस ली, गैसें ब्लड में डिजोल्व हुई, बाहर लगने वाला प्रेशर यहां पर ज्यादा है, तो वो गैसें, मतलब ऑक्सीजन गैस, ब्लड में इजीली डिजोल्व हो रही है। जब वो हिल स्टेशन पर चला गया, जब वो किसी पहाड़ी पर चला गया, और वहां पर प्रेशर है 0.5 ATM, तो जब प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की ब्लड में सोल्युबिलिटी कम होगी, मतलब वो व्यक्ति सांस तो ले रहा है लेकिन जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिजोल्व नहीं हो पा रही है, मतलब उसकी सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही, उस व्यक्ति का दम उखड़ने लगेगा, उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत, वो बार बार मुंह खोलेगा सांस लेने के लिए,
ऑक्सीजन अंदर जाएगी लेकिन ब्लड के साथ वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये जो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वाली कंडीशन अराइज हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वाली जो कंडीशन है उसको बोलते हैं एनोक्सिया, ANOXIA। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज नोन एज एनोक्सिया। तो इस पॉइंट को भी थ्योरी में आप लोग अपने आप से बना सकते हैं। पहला पॉइंट था कोल्ड ड्रिंक, दूसरा पॉइंट था स्क्यूबा डाइवर, तीसरा पॉइंट था एट हिल स्टेशन पीपल फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग दैट मेडिकल कंडीशन इज नोन एज एनोक्सिया बिकॉज द प्रेशर एट हिल स्टेशन डिक्रीजेज सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन ब्लड डिक्रीजेज, दैट्स वाई द पर्सन फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स थे एप्लीकेशन के, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये तीन, जिससे हम लोग हेनरी लॉ को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए यहीं साथ में एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है? मतलब हेनरी लॉ जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, हर गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जनरली दिस लॉ इज एप्लीकेबल, जनरली दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस, और हम लोग जानते हैं आइडियल गैसेस नो वेयर एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पर ही गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है? वो पर्टिकुलर कंडीशन है लो प्रेशर कंडीशन। दैट मींस एट वेरी लो प्रेशर कंडीशन गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस, और उस कंडीशन पर ही हेनरी लॉ को एप्लीकेबल किया जा सकता है। दूसरा कि जिस गैस को डिसॉल्व किया जा रहा है लिक्विड में, वो कोई केमिकल चेंज शो नहीं करनी चाहिए। गैस डू नॉट शो एनी केमिकल चेंज, मतलब आफ्टर डिसॉल्विंग इन लिक्विड दिस गैस वुड नॉट शो एनी केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट गेट डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। लाइकवाइज इफ वी डिसॉल्व अमोनिया इन वाटर देन इट फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दैट मींस जो गैस हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं किसी लिक्विड में, वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए उस लिक्विड के साथ में, और ना ही वो डिसोसिएट होनी चाहिए। तो दीज आर दी थ्री लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। फर्स्ट, इट इज एप्लीकेबल टू आइडियल गैस, या एप्लीकेबल टू गैसेस ओनली इन आइडियल गैस कंडीशन। दूसरा कि गैस डू नॉट शो एनी केमिकल चेंज, एंड थर्ड वन इट डज नॉट डिसोसिएटेड इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस। ठीक है, तो ये था हेनरी लॉ, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन और हेनरी लॉ की लिमिटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए हम लोग राउल्ट्स लॉ को भी यहाँ पर डिफाइन करते हैं। हमारे पास टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। समझ लीजिए पूरा चैप्टर इसी राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड है। ये जो चैप्टर है हमारा, ये बेसिकली लिक्विड इन लिक्विड या सॉलिड इन लिक्विड पर बेस्ड है, और इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग राउल्ट्स लॉ का यूज करते हैं। तो इससे आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं सब में राउल्ट्स लॉ के एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वेपर प्रेशर के बारे में बताता हूं कि व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है। देखिए आपके पास एक बीकर है और आपने बीकर में किसी लिक्विड को लिया है। ठीक है, इस लिक्विड की सरफेस पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड मॉलिक्यूल सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करके, लिक्विड ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर बनाते हैं। क्या बनाएंगे? वेपर बनाएंगे और यहां से एस्केप होने की कोशिश करेंगे, यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगर हम इस वीकर को ऊपर से कवर्ड कर दें, ऊपर से कवर्ड कर दें, तो ये जो वेपर है इस कंटेनर के ढक्कन के ऊपर क्या करेगा? एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो
और ये वेपर यहां पर टकराएंगी और कंडेंस होकर वापस से लिक्विड बनाकर नीचे आ जाएंगी, वापस से लिक्विड बनाकर नीचे आ जाएंगी। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां पर मेंटेन होगी, एक तो रेट ऑफ वेपर फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन जहां पर इक्वल हो जाएगा उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा उस कंटेनर के ऊपर, यहां पर द प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। अब समझिए सामान्य भाषा में, हमारे पास एक बाल्टी है और हमने बाल्टी में पानी रखा हुआ है और हमने बाल्टी को इस कमरे में रख दिया, तो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल जो सरफेस पर हैं, क्योंकि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बाकी के मॉलिक्यूल जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं उनसे तो ज़्यादा है। ये सराउंडिंग की हीट को और एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके क्या बनाएंगे, जब लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो किस में बदलेगा, गैस में। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल बना रहे हैं वेपर, और वेपर फिर सरफेस से ऊपर उठना शुरू करेगी, लेकिन उसको ऊपर क्या मिल रहा है, एक कंटेनर का ढक्कन मिल रहा है, एक ऊपर से कवर सरफेस एरिया मिल रहा है। तो ये वेपर उससे टकराएगी और कंडेंस होकर वापस लिक्विड फॉर्म में नीचे आएगी। तो जब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो जाएगी, रेट ऑफ एवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस कंडीशन पर जो प्रेशर लगाया जाएगा वेपर के द्वारा, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर कि ये जो वेपर प्रेशर है ये दो फैक्टर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, पहला द नेचर ऑफ लिक्विड, हमने लिक्विड कौन सा लिया है, और दूसरा टेम्परेचर। पहला है नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा है टेम्परेचर। इसको मैं एक बहुत सामान्य से एग्जाम्पल में बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एक बाल्टी पानी कमरे में रखा और वो समय था जनवरी का, हम लोग जानते हैं जनवरी में सराउंडिंग टेम्परेचर 10 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, तो उस लिक्विड की सरफेस पे वेपर क्या होंगी, कम बनेंगी, दैट मीन्स वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वहीं अगर इसी बाल्टी भरे पानी को आप लोग मई जून के महीने में कमरे में रखते हैं तो सराउंडिंग टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होगा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनाएंगे, दैट मीन्स वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो सीधी सी बात समझ में आ रही है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आते हैं हम लोग नेचर ऑफ लिक्विड पे। मान लीजिए आपने एक बाल्टी पानी लिया और एक बाल्टी पेट्रोल लिया, तो आप लोग जानते हैं जो पानी की वेपर है वो कम बनेंगी और जो पेट्रोल है उसकी वेपर ज़्यादा बनेंगी, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो ज़्यादा वेपर बनाता है, तो पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू पानी का वेपर प्रेशर। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखिए, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। ये हो गई डेफिनेशन वेपर प्रेशर की। और फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में वन, फर्स्ट वन नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, आप लोग समझ गए। तो ऐसे लिक्विड जिनके इंटर पार्टिकल इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब जैसे पानी है तो पानी लिक्विड के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोकार्बन है उसमें वांडरवाल फोर्स है, वांडरवाल फोर्स क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है। तो अगर मॉलिक्यूल के बीच में हम लोग उसको बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, तो ऐसा कोई लिक्विड जहां पर इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन कम है तो वहां पर वेपर क्या होंगी, वहां पर वेपर्स ज्यादा बनेंगी, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा।
और जहां इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन ज्यादा है वहां पे वेपर्स कम बनेंगी, वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। ये एग्जाम्पल हो गया पेट्रोल का और ये एग्जाम्पल हो गया वाटर का। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा पॉइंट आ गया इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर और किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर मैं लिख सकता हूँ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पानी का जो वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पर है वो पानी का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा अगर मैं सराउंडिंग का टेम्परेचर 30, 35, 40 और 100 डिग्री सेल्सियस तक कर दूंगा। बात आ रही है आपके समझ में कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए एक बाल्टी में पानी है, दिस इज H2। सरफेस पर हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए अभी जो वेपर बन रही है वो 25 वेपर बनती हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी वेपर बन रही है? 25 वेपर बन रही है। मैंने इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा दिया, 30 पर 30 वेपर, 35 पर 35। तो ग्रेजुअली मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो नंबर ऑफ वेपर बढ़ती जाएगी। हम लोग जानते हैं कि ये जो कंटेनर है ये ऊपर से ओपन है, इसके ऊपर जो लग रहा है प्रेशर वो प्रेशर कितना है? एयर प्रेशर के बराबर। वो प्रेशर कितना है? एयर प्रेशर के बराबर। दैट मीन्स 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। लेट अस कंसीडर 1 एटमोस्फेयर में 100 वेपर्स होती हैं, ऐसे समझ लीजिए। एक कंसीडरेशन है आप लोगों को समझाने के लिए। बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर वेपर्स बनती हैं वो 25 बन रही हैं, और ऊपर से खुला हुआ है ये कंटेनर और एयर प्रेशर इसके ऊपर लगेगा। एयर प्रेशर मतलब 1 atm, 1 atm को कंसीडर कर लिया 100 वेपर्स के। तो मैं जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ती हैं। तो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिस टेम्परेचर पे नीचे से लगने वाला वेपर का वेपर प्रेशर और ऊपर से लगने वाला एयर प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे। उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए यहाँ से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को लिख लेते हैं, आगे हमारे बहुत काम आएगी। देखिए एक पॉइंट याद रखना आप लोग, 11th क्लास में आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉरी गैसियस स्टेट वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। वही मैं दोबारा से आपको लिखाता हूँ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखिए इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एयर प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एयर प्रेशर। वही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर समझा है। अब हम लोग आते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। राउल्ट्स लॉ। देखिए राउल्ट्स लॉ से पहले एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको मैं क्लियर कर देता हूं आपको। एक एनसीईआरटी में टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इसको समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर में लिक्विड है, प्योर लिक्विड है अभी ये, और जब हम लोग इसमें किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है कि ऐसा सॉल्यूट जो वेपर नहीं बनाता है। तो हमेशा याद रखना सॉलिड सब्सटेंस कभी वेपर नहीं बनाते। या तो मैं लिखूंगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या लिखूंगा सॉलिड सॉल्यूट।
तो देखिए मेरे पास अभी प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड में सभी सरफेस पर जो सभी मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं, वो लिक्विड हैं, ये लिक्विड है। तो ये सभी के सभी क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे, सभी के सभी वेपर बनाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी तो सरफेस पर आएंगे। ऐसे समझिए कि यहां पर अभी 5 मॉलिक्यूल थे लिक्विड के, अब क्या हुआ कि उनमें से 2 मॉलिक्यूल हो गए सॉलिड, हमने सॉलिड सब्सटेंसेस में ऐड किया है। तो अब केवल वेपर किसकी बनेंगी, केवल लिक्विड मॉलिक्यूल की। यहाँ कितनी वेपर बन रही थी, 5, यहाँ कितनी वेपर है, 3। दैट मीन्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस व्हेन एवर वी ऐड ए सॉलिड सॉल्यूट इन ए लिक्विड, देन इट्स वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस। यही आएगा क्वेश्चन, व्हाट डज हैपन व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन ए लिक्विड टू द वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस। अब आ जाते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ पर। देखिए अपनी सुविधा के लिए हम लोग राउल्ट्स लॉ के 2 केस पढ़ते हैं। पहला केस है केस 1 फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम, फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। अपनी सुविधा के लिए मैं इसको 2 भागों में या 2 केस बना के मैं इसके पढ़ता हूं। पहला फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम, इसको ऐसे समझिए कि मेरे पास 2 लिक्विड हैं, मान लीजिए ये ए है, लिक्विड ए, और ये लिक्विड बी है, और मैं ऐसे भी मान सकता हूं कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ऐसे मान लीजिए, क्योंकि मैंने सॉल्यूट को कम लिया है और सॉल्वेंट को यहां पर ज्यादा लिया है। तो मेरे पास ये जो लिक्विड हैं दोनों, दे कैन फॉर्म वेपर, तो वी कैन से बोथ लिक्विड आर वॉलेटाइल। और अभी ये प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म का मतलब है कि इसमें केवल लिक्विड ए के ही पार्टिकल हैं, इसमें केवल लिक्विड बी के ही पार्टिकल हैं। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, मैं इसको डिनोट करूंगा पी नॉट ए से। ऐसे ही अगर यहां पे लिखूं तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, इसको मैं लिखूंगा पी नॉट बी से। जो प्योर फॉर्म में है उसको हम लोग ऐसे ऊपर स्टैंडर्ड का साइन, या जिसको पी नॉट ए और पी नॉट बी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों के पार्टिकल्स होंगे, और यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो हो जाएगा सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग पी एस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, पी एस से। अब एक चीज देखिए आप लोग कि यहां पर प्योर लिक्विड था पी नॉट ए, प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर है पी नॉट बी, लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो अब तो ये प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी नहीं रहा। अब यहां पर ए का जो प्रेशर बनेगा और जो बी का वो प्रेशर बनेगा, उनके नाम बदल जाएंगे। क्या नाम हो जाएंगे, अब ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जिसको हम लोग पी ए से डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जिसको हम लोग पी बी से डिनोट करेंगे। दोबारा से समझिए, यहां पर पी नॉट ए पी नॉट बी, व्हेन दीज टू लिक्विड्स आर इंटरमिक्स्ड देन पी नॉट ए टर्न्स इनटू पी ए एंड पी नॉट बी टर्न्स इनटू पी बी। ये प्योर फॉर्म है और ये पार्शियल है, क्योंकि इसमें प्योर फॉर्म प्रेजेंट नहीं है, ए के साथ बी है और बी के साथ ए है। अब राउल्ट लॉ क्या कहता है, देखिए राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन सॉल्यूशन। और ये किस पर बात होगी? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन सॉल्यूशन। दैट मीन्स पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, यहां पर आएगा पी ए बराबर पी नॉट ए, और यहां आएगा पी बी बराबर P नॉट B इंटू काई बी। तो आप लोगों को पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B की वैल्यू पता चल गई अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ ये भी कहता है कि किसी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हों उनके पार्शियल प्रेशर का सम कर दीजिए, पार्शियल प्रेशर का सम कर दीजिए। दैट मीन्स पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी ए को कैसे लिख दूंगा, पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म फॉर राउल्स लॉ फॉर केस फर्स्ट। लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए पी एस बराबर पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा अच्छी तरह से। हम लोगों के यहाँ डेरिवेशन नहीं बनता है, ठीक है। तो राउल्स का केस फर्स्ट पढ़ा है हम लोगों ने, इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, केस सेकंड पढ़ेंगे उसके न्यूमेरिकल, उसका डेरिवेशन, फिर इस चैप्टर के आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल और केस सेकंड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, घर पर रहिए, फॉलो द लॉकडाउन, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर कर सकते हैं।